पश्चिमी दिल्ली से भाजपा के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा में आज नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अपने काफिले के साथ निकले, जहां उनके समर्थन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा उपस्थित रहे। साथ ही सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं का हम हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में देखने को मिला। वहीं ढोल नगाड़े से क्षेत्र की जनता ने अपने उम्मीदवार का स्वागत किया। वहीं महिलाओं ने भी मंगल गीत गाए। उत्तराखंडी वेशभूषा में महिलाओं ने हर्ष मल्होत्रा का स्वागत किया। पुष्कर सिंह धामी ने हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में क्षेत्र की जनता से वोट देने की अपील की। भारत माता की जय। अब की बार फिर एक बार दिल्ली लोकसभा के आज इस नामांकन समारोह में हम सब लोग जिनके समर्थन के लिए और जिनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं और आप सबके बीच में से जिन्होंने अपने राजनीतिक सामाजिक जीवन की शुरुआत की है और जो हमारी पार्टी कहती है कि अपनों का नेतृत्व अपनों के बीच से होना चाहिए, जो आपकी तरह हो, आपकी तरह सोचता हो, आपके जैसे जिसके विचार हो, आपके साथ जो बदलाव करता हो, ऐसे हमारे प्रत्याशी आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमती अलका गुर्जर जी कलेक्टर इंचार्ज विजन एवं मंच पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी पार्षदगण एवं आज पूर्वी दिल्ली और दिल्ली के आसपास से इस नामांकन समारोह में बड़ी संख्या में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और हर्ष भाई को लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए यहाँ आए हुए हमारे दिल्ली के सभी भाइयों बहनों, मैं आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सबका अपने हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबकी ये ऊर्जा देखकर मैं रास्ते से आ रहा था, जिस प्रकार से जैसे ही गाड़ी रुक रही थी लोग मुझे देख रहे थे और उनके अंदर से जय श्री राम का उद्घोष हो रहा था। मैं कह सकता हूं मेरे मन में 1% का भी संदेह नहीं बचा कि हर्ष मल्होत्रा जी को आप सब लोग दिल्ली के इस पूर्वी लोकसभा से भारी बहुमत से जिताकर संसद में भेजने वाले हैं, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने वाले हैं। भाइयों बहनों, मैं बाबा बद्री विशाल, बाबा केदार की पावन भूमि और मां गंगा और यमुना की उद्गम स्थली देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में आज इनके लिए हर्ष जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने आया हूं। और पूर्वी दिल्ली लगातार भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के जमाने से गढ़ रहा है। पूर्वी दिल्ली और जमुना पार के इस क्षेत्र ने आजादी के बाद से आज तक लगातार 9 बार भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर दिया है। एक बार फिर से 9 मई को आप सबका आशीर्वाद और आप सबका समर्थन हमारी पार्टी को मिलेगा, हर्ष मल्होत्रा जी को मिलेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को आप ऊर्जा देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कृष्णनगर बीच में पूरा का पूरा जो विधान की भारत माता की भारत माता की जनता पार्टी दिल्ली में 7 सीटों पर कमल खिलाने जा रही है। जब भी आता हूँ कुछ बताता हूँ आप लोगों को। 4 दिन पहले कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया था
अभी आते आते विश्वास नगर के पूर्व विधायक नसीब सिंह का इस्तीफा लेकर आया हूँ। वो परमात्मा भी आपके साथ है, क्योंकि आप लोग सच के साथ हो, आप लोग नरेंद्र मोदी के साथ। और पूर्वी दिल्ली की सीट तो मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, सातों सीटों में सबसे पहले अगर नरेंद्र मोदी के नाम का सूर्य उदय होगा तो पूर्वी दिल्ली से होगा। और दोपहर आते आते पश्चिमी दिल्ली जीतते हुए सातों सीटें जीतकर उनकी झोली में डालने का व्रत हम सब लोगों ने लिया हुआ है। जीत हमें करनी है, बड़ी करनी है। जीत हमें करनी है, बड़ी करनी है। जीत हमें करनी है, बड़ी करनी है। क्योंकि इन देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर इतना मारेंगे कि विधानसभा में भी इनका नाम ले होगा। पहले भी कहता रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, हमारा काम उस दिन खत्म होगा जिस दिन आप में से कोई एक दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है तो इन सातों सीटों को जीतकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में, नरेंद्र मोदी जी की झोली में, नरेंद्र मोदी जी की झोली में और डालना है तो लूथरा साहब। दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए देशहित एप्लीकेशन को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।